दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में सोनू कार रिमिक्स कार एसेस सीरीज ऋषिकेश। तो भाई आप देख रहे हैं एम्पलीफायर म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल होने वाला है स्विफ्ट डिजायर में। तो भाई आप देख सकते हैं टू चैनल एम्प है, बॉसमैन का एम्प है, वन ईयर वारंटी के साथ में JBL के स्पीकर और भाई इंस्टॉल होने हैं स्विफ्ट डिजायर में। और भाई आवाज़ में आना चाहिए बेस, तो बेस आने वाला है थोड़ी देर बाद गाड़ी में। आप देख सकते हैं वायरिंग किट भी इसमें ब्रांडेड इंस्टॉल हो रही है, फ्यूजन कंपनी की है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क होने वाला है। तो आप देख सकते हैं JBL के 6 इंच स्पीकर हैं और भाई जल्दी से करते हैं इसको इंस्टॉल और फिर आपको आवाज़ चेकआउट करा देते हैं और साथ में आपको दिखाते हैं इसकी वायरिंग किट, फिटिंग पूरी आपको दिखाने वाला हूँ भाई। आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं फ्यूजन की जो वायरिंग किट होती है एम्प किट, तो ये बैटरी से कनेक्ट होती है और कुछ इसमें वायरिंग होती है जो म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट होती है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो भाई जल्दी से पहले जो है बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं भाई वायरिंग जो है ओपन हो गई है और वायरिंग बैटरी से कनेक्ट करके मैं गाड़ी के अंदर ले जा रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं। और भाई RC लीड भी इसमें इंस्टॉल होगी जो म्यूजिक सिस्टम से एम्पलीफायर तक जाएगी, और RC लीड मतलब ऑडियो लीड होती है। आप देख सकते हैं बैटरी से जो कनेक्शन होते हैं वो एक फ्यूज़ के थ्रू होते हैं, अगर बाई चांस कोई शॉर्ट होता है तो फ्यूज उड़ जाता है और वायरिंग सेफ रहती है। तो फ्यूज़ ज़रूर लगाना चाहिए भाई बेस ट्यूब में, अगर बेस ट्यूब आप इंस्टॉल करा रहे हैं तो बैटरी के पास फ्यूज़ ज़रूर लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है फ्यूज़। तो भाई फ्यूज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से फिट किया गया है और वायरिंग को कवर कर देते हैं, उसमें थोड़ा लुक जो है थोड़ा बढ़िया आता है, वायर नहीं दिखती और वायर की भी सेफ्टी रहती है, वायर जो है कवर हो जाती है। भाई प्रॉपर तरीके से आप देख रहे हैं काम हो रहा है और वायर जो है अंदर एम्पलीफायर तक पहुँच गई है, अभी आपको दिखाते हैं। तो भाई पहले जो है वायर को करते हैं कवर और वायर को कवर करने के बाद ये बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आगे इसमें एक क्लैंप लगाया हुआ है जिसमें 10 नंबर का इस बोल्ट बैटरी में टाइट हो जाएगा, तो वायर जो है ना निकलेगा नहीं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैटरी से कनेक्ट होगा। आप देख सकते हैं ये बैटरी से तार आ रही है जो एम्पलीफायर तक जाएगी और भी वायरिंग आप देख सकते हैं काफ़ी वायरिंग पड़ी हुई है, जो इसमें RC लीड है, REM की वायरिंग है, अर्थिंग की वायर है, ग्राउंड जो होता है आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साइड में लेकर के जाएंगे और अंडरग्राउंड वायरिंग होने वाली है, आपको एक भी तार दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल अंडरग्राउंड काम होगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें काम हो रहा है। आप देख सकते हैं तो भाई वायरिंग को ऊपर की तरफ किया जा रहा है, ये RC लीड और आप देख सकते हैं और REM की वायर जो इग्निशन से कनेक्ट होती है, चाबी स्विच ऑफ करने पर ऑफ हो जाएगा एम्पलीफायर और ऑन करने पर ऑन, आप देख सकते हैं। और ये ऑडियो लीड है जो RC लीड कनेक्ट हो रही है ऑडियो आउटपुट, और REM भी मैंने कनेक्ट कर दिया है एम कंट्रोल। तो भाई इस पर टेपिंग कर देते हैं अच्छी तरह से। तो भाई टेपिंग आप देख सकते हैं, टेपिंग करके वायर जो है सेफ रहती है। और भाई इसमें 9 इंच एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम भी मैंने इंस्टॉल किया था काफ़ी पहले, तो भाई आज भैया फिर आए हैं तो इनको म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड कराना था, तो बेस थोड़ा इनको पसंद है, तो आजकल बेस हर किसी को पसंद ही है। तो भाई JBL के स्पीकर एम्प से कनेक्ट होने वाले हैं, उसके बाद जो बेस आएगा वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और भाई आप देख सकते हैं एंड्रॉयड लगाने के बाद भी गाड़ी का लुक जो है ना बहुत एकदम चेंज हो जाता है, और ओरिजिनल प्रॉपर फिटिंग के साथ में मैंने इसमें एंड्रॉयड इंस्टॉल किया था। तो भाई एंड्रॉयड से एम्पलीफायर कनेक्ट कर दिया है मैंने और बैटरी से भी वायर कनेक्ट हो गई है, तो एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, आपको दिखा देते हैं। भाई टच इसका एंड्रॉयड का बहुत ही स्मूथ टच है और भाई आप देख सकते हैं फिटिंग जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, एक चीज़ का पूरा ध्यान से काम किया जा रहा है, आप देख सकते हैं भाई, और काम तरीके से करें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है ना, गाड़ी में स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते और वायरिंग का भी कोई इशू नहीं होता, तो प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। तो भाई आप देख सकते हैं अभी आपको दिखाते हैं एम्पलीफायर के कनेक्शन। तो भाई आप देख सकते हैं ये बैटरी से जो तार आती है एम्पलीफायर में 12 बोल्ट के स्क्रू पे टाइट होती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से वायर को कनेक्ट किया जा रहा है। और अब मैं इसमें लगा रहा हूँ अर्थिंग वायर, आप देख सकते हैं। तो भाई जल्दी जल्दी वायरिंग करते हैं इसमें कनेक्ट, और भाई आपको जल्द ही दिखाने वाला हूँ, वीडियो स्किप मत करना। एम्पलीफायर से जब स्पीकर बजता है तो बेस बहुत ही सॉलिड आता है भाई, मतलब मज़ा आ जाता है म्यूजिक सिस्टम का। तो भाई REM की वायर जो लगती है बीच में लगती है हमेशा,
जो बहुत बारीक तार होती है, तो वायरिंग आप अगर सही तरीके से लगाएंगे तो एम्पलीफायर में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप वायरिंग उल्टी लगा देते हैं या माइनस प्लस उल्टा कर देते हैं तो भाई एम्पलीफायर आपका ख़राब भी हो सकता है, आप देख सकते हैं। तो भाई एम्पलीफायर को देते हैं ऑडियो, जो एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम से ऑडियो की वायर आई है वो एम्पलीफायर में कनेक्ट हो गई है। तो भाई अब फाइनली जो है JBL के स्पीकर की वायर कनेक्ट होनी है एम्पलीफायर से, जो आप देख सकते हैं माइनस प्लस चेक करके प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया जा रहा है सब कुछ, आप देख सकते हैं भाई। तो भाई आप देख सकते हैं एम्पलीफायर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है और वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया है। तो भाई आप देख सकते हैं अगर आपकी कार में भी म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करना है, अपने एंड्रॉयड लगाना है, JBL के स्पीकर या कोई भी स्पीकर आपने इंस्टॉल कराने हैं, तो भाई आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऋषिकेश में सोनू कार रिमिक्स कार एसेसरी शॉप। तो भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया जाता है और प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को देखा जाता है, किया जाता है भाई। तो आप देख सकते हैं एम्पलीफायर को आप लेफ़्ट साइड की सीट के नीचे रख सकते हैं और फाइनली आपको स्पीकर की आवाज़ चेकआउट करा देते हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा मैंने अभी डिजायर में एम्पलीफायर और JBL के स्पीकर इंस्टॉल किए हैं और एंड्रॉयड इंस्टॉल किया है, तो भैया हमारे तो भैया की गाड़ी में मैंने काम किया है। तो भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने एम्पलीफायर और जो JBL के स्पीकर लगाए हैं आपको कैसी आवाज़ लगी? पहले से ज़्यादा मज़ा आया क्या था? पहले से ज़्यादा बहुत मज़ा आया, 100% मज़ा आया, क्योंकि पहले मेरी आवाज़ बस दो ही स्पीकर के आगे आगे पतली पतली आती थी, अब साउंड भी अच्छी है, बेस अच्छा आ रहा है और लगा कि हाँ कुछ गाड़ी में लगाया तो काम से आप सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट। और भाई आप देख सकते हैं एंड्रॉइड भैया आपकी गाड़ी में एंड्रॉइड लगाया है, तो एंड्रॉइड का मजा आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, इसमें आप GPS वगैरह भी YouTube वगैरह सब वर्क कर सकते हैं, तो भैया हमारे संतुष्ट हैं। तो भाई अगर आपने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराना है एम्पलीफायर म्यूजिक सिस्टम तो भाई आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं सोनू कार रिमिक्स कार एसेसरीज।